नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र आप लोग को मैथ्स पढ़ाने आया हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और उसी को क्या हो गया है, हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं जो है सो वर्ड्स को कन्वर्ट करने सीख रहे थे मैथमेटिकल लैंग्वेज यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसी चीज़ को आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्या हो गया है, देख रहे होंगे एक इक्वेशन दे रहे हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 1 by x + 4 माइनस 1 by x - 7 दिस इज इक्वल टू 11 by 13। ये क्वेश्चन इसलिए दिए हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है, ये आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो इस चीज़ को वर्ड्स, इसी टाइप का जो वर्ड्स वाला जो है जो इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे उसी चीज़ को दिखाएंगे। क्या हो गया है, सबसे पहले क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन में डिनोमिनेटर का एलसीएम लिखते हैं, तो यहाँ एलसीएम जो है सो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या हो गया है, दो अलग अलग टर्म है तो डायरेक्ट उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो गया है, x + 4 * x - 7, नहीं, और इसी चीज को क्या हो गया है, ये इधर से मल्टीप्लाई हो गया x - 7 माइनस क्या हो गया है, x + 4 दिस इज इक्वल टू 11 by 30। दैट इम्प्लाइज नीचे में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x² + 4x - 7x और प्लस माइनस माइनस 7 4 जा 28, नहीं क्या हो जाएगा, ऊपर में x - 7 - x और ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ मिस्टेक करते हैं पहला से लोग तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरा से भूल जाते हैं, तो क्या हो गया है, उसी चीज को लिख रहे हैं -4, क्या हो गया प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 11 by 30। दैट इम्प्लाइज -11 by x² - 3x - 28 दिस इज इक्वल टू 11 by 30। आपको क्या हो गया है, यहाँ -11 है प्लस 11 है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी क्या हो गया है 11 11 कट जाएगा तो ऊपर में बचा कितना -1, तो -1 * 30 करेंगे तो -30, और ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे वो नहीं है तो कुछ है तो क्या है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो गया x² - 3x - 28। दैट इम्प्लाइज x² - 3x - 28 + 30, यानी दैट इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू 0, यानी x² - 3x + 2 दिस इज इक्वल टू 0। अब 2 का फैक्टर क्या होता है, 2 का फैक्टर 1 * 2 होता है, चाहे -1 * -2 होता है, तो -1 - 2 क्या हो गया, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो हम लोग को क्या चीज चाहिए, -3, तो क्या हो गया है x² - x - 2x + 2 दिस इज इक्वल टू 0, x * x - 1 नहीं -2 * x - 1 दिस इज इक्वल टू 0, x - 2 * x - 1 इज इक्वल टू 0, यानी x = 2 और x = 1 आया। तो आप इस बात को समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसी पैटर्न पर क्या हो गया, हम लोग का जो बताए थे लास्ट में रेल वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्या हो गया है, रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन जो है
हम लोग का दिया हुआ रहता है। और इसी पैटर्न पर क्या हो गया है, टॉफी वाला क्वेश्चन हो सकता है, गिफ्ट वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो इसी चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसी क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ स्पीड हैज हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या हो गया है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिस्टेंस दिया हुआ है 360 किलोमीटर। क्या दिया हुआ है, 360 किलोमीटर नहीं। उसके बाद कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेन गया तो लेट यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, या लेट प्रॉपर स्पीड क्या है, प्रॉपर स्पीड मान लीजिए स्पीड क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो क्या हो जाएगा, टाइम, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर दिए, यही क्या हो गया, टाइम हो गया है। सेकेंड केस क्या कह रहा है, इफ यानी कंडीशन दे दिया है, नहीं कंडीशन क्या दे दिया है, इफ इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। इसका मतलब क्या हो गया है, पहले स्पीड क्या था, एक्स किलोमीटर, तो क्या हो गया है, इफ न्यू स्पीड अगर ये होता एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब प्लस 5 नहीं, तो क्या हो जाता, तो क्या हो जाता, टाइम जो है सो, टाइम जो है सो उसका क्या लगता, डिस्टेंस तो फिक्स ही है 360, तो टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितना है, एक्स प्लस 5 नहीं, क्या हो जाएगा, पहले जो था एक्स किलोमीटर पर आवर से था और अब क्या है, स्पीड बढ़ गया है, स्पीड बढ़ जाने के बाद क्या हो जाएगा, लेस टाइम लेगा नहीं, और ये क्या है, मोर टाइम है। बात को समझेंगे, यही चीज समझना है, किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, कभी कभी बच्चे इसको इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या हो गया है, मोर टाइम और लेस टाइम, तो क्या कह रहा है, स्पीड अगर इंक्रीज कर जा रहा है, इफ स्पीड इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर देन इट टुक 1 आवर लेस, यानी पहले के टाइम से क्या हो रहा है, 1 आवर कम ले रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 360 बाय एक्स पहले से कम टाइम ले रहा है नहीं, नया स्पीड से, न्यू स्पीड से नहीं। तो यही चीज बोल रहे हैं, इसी चीज को 360 बाय एक्स माइनस 360 बाय एक्स प्लस 5 दिस इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1, इसको इधर ले आए इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस। तो बात को समझ गए होंगे, यानी देखिए क्या हो गया है, इसी तरह का इक्वेशन आ गया है। किस तरह का इक्वेशन आ गया है, इस तरह का इक्वेशन आ गया है। तो यही चीज क्वेश्चन आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एलसीएम क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स प्लस 5 नहीं, 360 यहां पर भी है, 360 यहां पर भी है, इसलिए 360 कॉमन ले लिए नहीं, एक्स प्लस 5 इंटू होता तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 और माइनस 360 इंटू एक्स, तो क्या हो गया, 360 कॉमन ले लिए, क्योंकि दोनों में है, क्या
क्या हो गया है, कैंसिल एक्स एक्स कैंसिल, दिस इज इक्वल टू क्या, वन, यानी 360 इंटू फाइव, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, नहीं 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। फाइनल ये क्या हो गया है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस 1800 इज इक्वल टू जीरो, ये उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसी चीज पर अब क्या हो गया, ये इक्वेशन आ गया है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व कर सकते हैं नहीं, क्या हो जाएगा, सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर लीजिए नहीं। इसी टाइप का जो है सो क्वेश्चंस है, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे क्या हो गया है, एक एक्सप्रेस ट्रेन वाला है, तो एक्सप्रेस ट्रेन वाला क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं आप, इस वे में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे क्या कह रहा, ए ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन वुड हैव 3 आवर्स मोर टू कवर। तो सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया है, इस टाइप का क्वेश्चन क्या हो गया, बना सकते हैं। ये क्या हो गया है, एनसीईआरटी के 4.1 में ही मिल जाएगा, आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया है, सब क्वेश्चन को समझ करके आप धीरे धीरे बना सकते हैं। बहुत सारा चीज क्या हो गया है, आपको दिए हुए थे आरएस अग्रवाल में कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे, या क्या हो गया इसका वर्ड्स को कन्वर्ट करने के लिए इक्वेशन में, तो उस चीज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इस चीज को क्या कीजिए, कन्वर्ट कीजिए इक्वेशन को। जैसे सम, जैसे क्या हो गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, नहीं द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट्स स्क्वायर इज 156। तो क्या हो गया है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर अगर x लिए, नेचुरल नंबर अगर x लिए तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ नंबर, इसका स्क्वायर x स्क्वायर, और इस दोनों का सम कर रहे हैं नहीं, इस दोनों का सम कर रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस x नहीं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया है हम लोग का, दिया हुआ है कितना 156, क्या हो गया है 156। आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 दिस इज इक्वल टू जीरो, 13 × 56 से 13 × 12। अब क्या हो गया, इसमें क्या रखना है, आप इस चीज को सोच कर करके बना सकते हैं। चलिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन क्या है, समझ सकते हैं, द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉसिबल पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132। तो क्या हो गया है, नेचुरल नंबर अगर x लेते हैं तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रूट अंडर x। तो आपको यहाँ थोड़ा सा क्या हो सकता है, सोचने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस चीज को नहीं मानेंगे। अगर ऐसा मान लें x स्क्वायर, तो रूट अंडर x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नहीं, अगर x स्क्वायर मान ले, फिर देखिए क्या हो गया है, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन हो जाएगा, सम कर रहा है तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132,
नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो गया है, आप इस चीज को देख रहे हैं, यहां पर फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर ना कि एक्स, क्योंकि नेचुरल नंबर आप क्या माने एक्स स्क्वायर, तो एक्स निकल जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे स्क्वायर कर करके निकालेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसी टाइप से क्या हो गया था, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 28, सम कितना दिया हुआ है 28 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है 192। तो आपको क्या बोले थे, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, ये हम लोग का क्या है सम ऑफ टू नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हो गया है, एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। सम ऑफ टू नेचुरल नंबर मतलब नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट नंबर एक्स है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स, नहीं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया है, आपको कह रहा है डियर प्रोडक्ट, तो 28 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू कितना 192, नहीं क्या हो जाएगा 28x माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 192, सबको एक तरफ ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x माइनस प्लस 192, आप इधर वाले को इधर ले गए हैं तो दिस इज इक्वल टू जीरो, चाहे इधर जीरो लिखिए चाहे इधर जीरो लिखिए, नहीं। अब क्या हो गया है, इस चीज को क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, क्लियर हो गया। क्या हो गया, यहां समझ में नहीं आ रहा है जो 192 का कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो क्या हो गया है 192 तो 192 क्या हो गया है, यहां पर देखिएगा, अगर फॉर्म ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिस इज इक्वल टू जीरो है, और अगर ए इंटू सी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, या तो माइनस होगा या तो दोनों का प्लस होगा, नहीं। उसके बाद क्या हो गया है, अगर ए इंटू सी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा प्लस में, एक क्या होगा माइनस में, नहीं, एक क्या होगा या तो माइनस में होगा या तो प्लस में होगा। तो क्या हो गया है, सपोज दैट ये क्या है ग्रेटर के लिए लिखे हैं और ये स्मॉलर के लिए लिखे हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा, यानी बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये क्या हो गया है माइनस में है, ग्रेटर का माइनस में है, स्मॉलर क्या है प्लस में है, तो दोनों का सम करेंगे तो माइनस, यानी बी क्या हो जाएगा माइनस में। तो आप इस बात को सोच कर करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हम लोग क्या हो गया 192 के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा आपका प्लस में ही आना चाहिए, दोनों क्या आना चाहिए सेम साइन में आना चाहिए। यहां पर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, अगर बी माइनस में है तो दोनों माइनस में होगा, और बी अगर प्लस में है तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, आप सोच करके बना सकते हैं, 192 को फैक्टराइज किए तो क्या आया 2, क्या हो जाएगा 96, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 48, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब यहां पर क्या हो गया है, एक सुटेबल पेयर बनाना है, तो सुटेबल पेयर बनाना है तो 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32 और
और 6 का डिफरेंस कितना होता है? 32 प्लस 6 प्लस जब भी आएगा तो ये क्या हो जाएगा 38, तो ये नहीं बैठ रहा है। क्या हो गया 2 2 4 2 8 और यहां कीजिए तो 2 2 4 2 8 3 24। तो आपको क्या रहा है 24 प्लस 8 क्या हो जा रहा है 32। यहां पर अभी भी क्या है बड़ा है नहीं, यहां पर क्या हो गया है अभी भी क्या हो गया है, यानी हम लोग को और काट छोटा करने की जरूरत है। तो क्या हो गया है 2 2 4 2 8 नहीं, क्या हो गया है 2 2 4 2 2 2 4 3 12 और 2 2 4 2 8 यानी 16 प्लस 12 क्या हो जाता है 28। तो माइनस लाना है तो दोनों को माइनस लाए, यानी समझ में आ गया होगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 12x नहीं प्लस 192 दिस इज इक्वल टू 0। इस बात को समझ गए होंगे तो दिक्कत नहीं हो रही होगी। नहीं, क्या हो गया है आप देखिए बेसिक तौर पर हम भी क्या किए हैं, नहीं पता चलता है तो क्या हो गया फैक्टराइजेशन। बड़ा नंबर है छोटा नंबर तो क्या हो गया तुरंत सोच लेते हैं, लेकिन बड़ा नंबर अगर आ जाए 1000 1800 1200 तो इस टाइप का क्या हो गया आपको फैक्टराइज कर करके क्या होगा सोचना पड़ेगा। चलिएगा अब इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा x माइनस 16 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 16 दिस इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 16 दिस इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 16। दोनों नेचुरल नंबर है तो अगर x क्या है अगर x 12 है तो क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर 28 माइनस 12 दिस इज इक्वल टू 16। अगर फर्स्ट नंबर 16 है तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 28 माइनस 16 दिस इज इक्वल टू 12। तो ये दोनों आंसर हो सकता है फाइंड दी नंबर्स कहे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 12 16 और क्या हो सकता है 16 12 दोनों नंबर हो सकता है। इस बात को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो ये चीज क्या हो गया है एक बता दिए है जो कैसे सोचेंगे सोचने का तरीका जो है सो आपका क्लियर हो गया होगा। चलिएगा क्या हो गया क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर कह रहा है तो आप क्या सोच सकते हैं इसमें सबसे पहले टू कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वन। कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स नहीं दिस इज इक्वल टू क्या हो गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कह रहा है जितना कह रहा है उतना लिख दीजिए द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए पॉजिटिव में आना चाहिए। क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 365 एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर इसका करेंगे तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab तो क्या होगा 2x इंटू 1 2x ही रह जाएगा दिस इज इक्वल टू 365 नहीं क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365 नहीं दैट इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 2x ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा तो माइनस वाला का साइन बड़ा है 365 माइनस 1 364
दिस इज इक्वल टू जीरो। फिर क्या बोल रहे हैं, इसमें दो कॉमन है, दो कॉमन को निकाल लीजिए, टू कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और क्या हो जाएगा 364 बाय 2 करेंगे तो क्या हो गया 182, तो क्या हो गया माइनस 182 दिस इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया है, ये 2 इधर आएगा, नहीं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 दिस इज इक्वल टू जीरो बाय 2 कितना हो जाएगा 0/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में फैक्टराइज करेंगे, नहीं और क्या होना चाहिए, दो पार्ट में फैक्टराइज करेंगे और दूसरा क्या होना चाहिए इसमें, एक पॉजिटिव होगा क्योंकि a इंटू सी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है निगेटिव आ रहा है, तो क्या हो गया है एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, नहीं बड़ा वाला क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, छोटा वाला क्या होना चाहिए निगेटिव होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा लगातार वाला नंबर होना चाहिए, तो क्या हो गया लगातार वाला नंबर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा इस चीज को आप सोच सकते हैं कहां पर किस नंबर के नजदीक में होगा, तो 20 विसंगत 420 से बड़ा वाला नंबर हो ही नहीं सकता है, 3 × 4 क्या होता है 12, 7 × 6 क्या होता है लगातार है तो कुछ 17 या 16 टाइप का होगा, मल्टीप्लाई करके तो 1600 256 इससे क्या हो सकता है बड़ा, इससे बड़ा ही नंबर आ जाएगा, जबकि क्या दिया हुआ 182 तो 12 × ठीक है 14 × 13 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 182 आ जाएगा, नहीं 40 ना है 140 प्लस 40 दिया तो क्या हो जा रहा है 182, तो 182 आ रहा है। अब इस चीज को देखना क्या है, हमको माइनस में है तो एक क्या हो जाएगा, एक क्या होगा प्लस में, दूसरा क्या हो गया माइनस में, तो बड़ा वाला क्या होना चाहिए प्लस में, छोटा वाला क्या होना चाहिए माइनस में, और हम लोग का ये पेयर क्या हो गया बैठ गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस 14 × x माइनस 13 दिस इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस 14 और एक्स इज इक्वल टू 13, तो हम लोग का ये नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर और क्या हो गया है ये क्या हो गया निगेटिव, इसलिए हम लोग का कौन सा आंसर होगा अगला नंबर इसका 13 और 13 का अगला नंबर कितना हो गया 14, तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हो गया। कुछ बच्चा जो है इसको दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं, क्या ढंग से बना सकते हैं, अभी तुरंत हम बोले अगर ये x है तो इसके पहले वाला नंबर क्या हो सकता है, ये भी तो दो लगातार इंटीजर है, तो दो लगातार इंटीजर है तो आप इस पर भी तो सोचेंगे, तो इस पर सोचिए, नहीं इस पर भी सोच करके बना सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा आपका ये लिखाएगा, यही चीज क्या हो जाएगा, नहीं यही चीज क्या हो जाएगा, यही चीज क्या हो जाएगा, यही चीज क्या हो जाएगा, नहीं और जैसे ही पर आए तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, नहीं तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 और इसका क्या हो जाएगा माइनस 13, और इस केस में फिर ये निगेटिव हो गया है तो ये आंसर नहीं होगा, कौन सा आंसर होगा ये होगा, और कौन सा नंबर सेलेक्ट किए थे 14 और 14 माइनस 1 13, तो दोनों केस में क्या आंसर आया 13 और 14 ही आया, समझ गए होंगे। तो हम लोग का जो क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है आप उस चीज को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 15 एंड द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर और सम ऑफ रेसिप्रोकल कितना दिया हुआ है, नहीं सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज कितना दिया हुआ है
15 और सम ऑफ रेसिप्रोकल कितना दिया हुआ है 3/10। सोचने का तरीका है आप, क्या हो गया फर्स्ट नंबर एक्स लिए, दोनों नंबर का सम कितना है 15 है, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स। रेसिप्रोकल क्या होता है, क्या हो गया है रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जब दो नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाता है वन हो जाता है तो उसी चीज को क्या कहते हैं। तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वन हो जाएगा, तो 1/x। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/15 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है सम, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, क्या हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/x + 1/15 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 3/10। कहीं कोई दिक्कत नहीं, अब क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। देखे होंगे इस तरह का क्या हो गया था इक्वेशन, आज शुरुआत यही इसी टाइप के इक्वेशन से किए हैं, तो यहाँ के बाद आपको आपसे क्या हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए x इंटू 15 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स + x कैंसिल हो गया है 3/10। क्या होगा 3 × 5 = 15, क्या हो गया है मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 = x − x² - x² - 15x + 50 दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया है 10 × 5 = ये तो तुरंत सोच लिए 10 × 5 = 15, तो आप इस चीज को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। चलिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, डिवाइड जो इधर लिखा हुआ था 28 वाला उसी टाइप का, डिवाइड 52 इन टू पार्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 57, डिवाइड 57 इन टू पार्ट्स सच दैट दियर प्रोडक्ट इज 680। तो क्या हो गया है ये क्वेश्चन यही हुआ कि इफ सम ऑफ टू इंटीजर इज 57 एंड दियर प्रोडक्ट इज 680, तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं। चलिएगा इसी टाइप का डिवाइड 27 इन टू पार्ट सच दैट दियर सम ऑफ इट्स दिस रेसिप्रोकल इज, यानी क्या हो गया है डिवाइड 27 इन टू पार्ट सच दैट दियर सम ऑफ रेसिप्रोकल इज 3/20। तो क्या हो गया इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर, आप इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। जितना भी नंबर वाला है उस चीज को अब क्या कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि बना सकते हैं, तो नंबर वाला क्वेश्चन क्या हो गया बना सकते हैं, एक टू डिजिट नंबर वाला बना रहे हैं। ए टू डिजिट नंबर इज 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड 2x द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। तो पहले क्वेश्चन क्या हो गया, पढ़ तो दिए हैं लेकिन पहले क्वेश्चन का टू डिजिट नंबर का पैटर्न बताए थे, लिनियर इक्वेशन में बताए थे, लेकिन यहां पर क्या हो गया है यही चीज क्या हो गया क्वाड्रेटिक में बात कर रहा है, तो हम लोग को थोड़ा सा सोचना है क्या करना है। जैसे उसमें क्या बोले थे, नंबर का फॉर्म 10x + y है, काहे 32 को क्या बोले थे 30 × 30 + 2 नहीं, तो यहां पर 3 × 2 नहीं पढ़ पाते, लेकिन अगर यही एक्स वाई लिखते तो क्या हो गया पढ़ने वाला क्या हो गया एक्स इंटू वाई पढ़ता, कोई कोई कुछ पढ़ता, तो ये चीज क्या हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग वाला चीज हो जाता। इसलिए टू डिजिट नंबर को कैसे अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, 10x + y चाहे 10y + x। तो अब क्वेश्चन जो समझेंगे उसके बाद की बात करेंगे, तो यहां से भी आप समझ सकते हैं। तो लेट नंबर भी x है, सम ऑफ डिजिट्स के बारे में बात कर रहा है,
ए टू डिजिट नंबर इज फोर टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्या हो गया, द नंबर इज ए टू डिजिट नंबर इज फोर टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। तो हम लोग का क्या कह रहा है, नंबर जो कह रहा है यानी 10x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया है हम लोग का, फोर टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। इसमें डिजिट क्या है, x है, डिजिट क्या है, x है एंड y है। तो x प्लस y नहीं, सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, x प्लस y। तो अब क्या हो गया है, 10x प्लस y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं आप, नहीं इधर ले आए, ये इधर ले आए, तो क्या हो गया है 10 माइनस 4 क्या हो गया है 6x और 4y माइनस y क्या हो जाएगा 3y। यानी क्या हो गया है, y इज इक्वल टू नहीं 6x बाय 3 यानी 2x। बात को समझ गए हैं, यानी हम लोग का नंबर का फॉर्म क्या हो जाएगा, 10x प्लस 2x का फॉर्म हो गया, नहीं नंबर का फॉर्म क्या हो गया है। अब डिजिट हम लोग का क्या है, डिजिट क्या है x और 2x। नहीं, तो अब यहां से फिर क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पढ़ना है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, नहीं एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, x इंटू टू एक्स, और इसका क्या है ट्वाइस क्या, नंबर 10x प्लस y, y के स्थान पर क्या आया है हम लोग का 2x। नहीं, तो अब क्या हो गया है, इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं क्या हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब क्या हो गया है 4x स्क्वायर माइनस 12x दिस इज इक्वल टू 0, 4x नहीं x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, और क्या हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। तो अभी भी हम लोग का नंबर्स नहीं आया, नहीं क्या हो गया है, y जो बोल रहे थे यानी सेकेंड डिजिट जो बोल रहे थे क्या था 2x, यानी 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, नंबर क्या था 10x प्लस 2x, नहीं तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 और प्लस 6 क्या हो गया 10 थीज़ा 30 और प्लस 6 36। तो नंबर क्या हो गया है, बहुत सारे बच्चे यहां पर आकर कर करके उसके बाद सोचे जा रहे हैं, नंबर क्या है हम लोग का 10x प्लस y, यानी क्या हो गया x इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू क्या है 2x। तो उसके स्थान पर क्या करना है, पुट करना है। तो आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, सोच करके बना सकते हैं।